हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईबीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। वी लुकअप की सीरीज में हमारी चौथी वीडियो जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं रिपीटेड वैल्यू के बारे में। ये प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए, एक एक्सेल फाइल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज मेरा ऐप डाउनलोड कर ले, जहां पे सीरीज की पूरी वीडियो सिक्वेंस में विद सैंपल फाइल, डेटा फाइल, प्रैक्टिस फाइल के साथ आपको मिलेगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो वी लुकअप ट्रिक्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं चौथी वीडियोज पे, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल सा टॉपिक। इससे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेरे पास अगर रिपीटेड वैल्यू है तो इस तरह से हम उसको लिस्ट में कैसे पाए। इसके लिए मैंने आपको जो है फिल्टर फॉर्मूले, और साथ में मैंने आपको दूसरा जो वी लुकअप का तरीका है उस पे भी हमने आपके साथ जिक्र किया। लेकिन अब जो मैं रिपीटेड वैल्यू को हैंडल करने वाला हूं, उसमें सिंपल है कि यहाँ पे नेम लिखा इंदर, और मुझे पता करना है कि इंदर के अंदर कौन कौन से सिटी है और कौन कौन से सेल, किसकी सिटी में और कितनी अमाउंट जनरेट। जैसे अब यहाँ पे मैंने इंदर की जगह पे मैं पूजा, अब पूजा में क्या है कि 40, यहाँ पे 41 है, तो 41 कॉमा, फिर पूजा यहाँ पे क्या 20 है, तो 20 कॉमा, ऐसे पूरा आना चाहिए, ऐसे सिटी भी आनी चाहिए। अब इसके लिए वी लुकअप के जरिए नहीं हो सकता है, इसके लिए आपके पास लेटेस्ट एक्सेल ही चाहिए। ये आपका अगर 2013 है तो उस पर नहीं हो पाएगा, तो 16 19 और 16 16 में आई थिंक नहीं है, 16 में भी नहीं है, बट 1921 में है, वो है टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मेट। तो मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, टेक्स्ट ज्वाइन। तो यहां पे मैं फॉर्मूला दूंगा टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट जो आप जानते हैं टेक्स्ट ज्वाइन करता है क्या है, तो जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया पूजा, मैंने लिख दिया इस तरह से मोहन, इंदर, इस तरह से कुछ लिस्ट है यहाँ पे, मुझे यहाँ इसको कॉन्क्रीट करना है। या तो मैं कॉन्कैटा नेट फॉर्मूला लगाऊंगा, या फिर ये मुझे यहाँ पे कॉन्कैटनेट फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे इसमें एक एक करके इस तरह से देना। हम पूरी की पूरी लिस्ट को नहीं ले सकते, पूरी की पूरी लिस्ट को नहीं ले सकते, इस तरह से वन बाय वन करना पड़ेगा। लेकिन जब डेटा बड़ा हो ये वन बाय वन करना मुश्किल हो जाता है, इसी में हमारा टेक्स्ट ज्वाइन काम करता है। कि टेक्स्ट ज्वाइन, इसको हमने पूरे हमने एक तरह से बताया कि दो टेक्स्ट के बीच में सेपरेटर क्या हो, तो हमने बोला कि सेपरेट में हमारा कॉमा। फिर यहाँ पे बताया कि जो ब्लैंक है उसको इग्नोर करना है, अगर इसके बीच में कोई ब्लैंक है तो डबल डबल कॉमा नहीं दिखाएगा, वो इग्नोर करना। उसके बाद हमने सेल को सेलेक्ट किया, तो एक ही बार में देखिए इस तरह से ज्वाइन करके दे दिए। अब इसी मेथड को हम एरे के साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, और यहाँ पे बोलूंगा कि कॉमा डिलिमिटर होना चाहिए और ब्लैंक ट्रू होना चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देन मैंने इफ कंडीशन लगाया कि इफ, और नेम दिया, पूरे के पूरे नाम के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, बोला कि अगर ए इक्वल टू हमारा पूजा है, अगर ऐसा है तो सिटी को रिटर्न करो, नहीं तो क्या करें। यहां देखिए मैंने बोला अगर सिटी नहीं है तो ब्लैंक करो, सिंपल से, और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, यस कीजिए। देखिए आप, और ये फॉर्मूला किया कैसे, एक उसको समझते हैं, फिर दोबारा लगा के बताऊंगा। एवलुएट पे चलते हैं, यहाँ आप चेक देखेंगे फॉर्मूला आपका कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो ये सबसे पहले ट्रू हुआ, अब इफ चलेगा, इफ में इसने लिया नेम, हर नेम को पूजा के साथ इसने मैच किया, पूजा के साथ मैच किया, जहां जहां मैच हुआ वहां वहां देखिए ट्रू आ गए। इफ क्या करेगा, इफ करेगा जहां जहां ट्रू है वहां वहां उसकी वैल्यू डाल देगा, और जहां जहां ट्रू नहीं है तो मैंने इफ कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर मैच ना करे तो ब्लैंक दे, इसमें ब्लैंक दे दो। अब टेक्स्ट ज्वाइन को बहुत सारे नाम और बहुत सारे ब्लैंक मिला हुआ है, और टेक्स्ट ज्वाइन को मैंने बोला है इग्नोर ब्लैंक, तो जितने बीच में ब्लैंक आ रहे हैं उसको इग्नोर करके जितने नेम है उसको ज्वाइन कर देगा। अब चलिए इसको दोबारा से हम यहाँ लगाते हैं अमाउंट में, हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, पहले देंगे कॉमा डिलिमिटर, कॉमा के जगह कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक ट्रू। अब देंगे फॉर्मूला इफ का,
इफ मुझे पूजा किस कॉलम में मैच करनी है, इस नेम वाले, तो नेम को सिलेक्ट किया और बोला कि इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये हमारा पूजा होना चाहिए। तो क्या है मतलब है मेरा ये जो अमाउंट है, वो अमाउंट आए नहीं तो ब्लैंक और डबल बार कॉमा क्लोज करके एंड पे प्रेस कर दिए सिंपली। तो देखिए आपका आपके और जो भी नाम डाल, मैं यहाँ पे ओम डाला, देखिए ओम का है, मैं यहाँ पे मोहन डालूंगा मोहन का है, तो जो भी हम नाम डालेंगे उसकी सिटी और उससे रिलेटेड जो सेल्स है ये आपके यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे नंबर अपना टाइप कर दिया। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाए।